मूवी की शुरुआत अकेले सफर कर रहे एक लड़की से होती है जिसका नाम था मैलरी। मैलरी की 2 हफ्ते बाद शादी थी और उसी की तैयारी के लिए वो डेनवर शहर के लिए जा रही थी, लेकिन शादी के लिए वो उतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी और यहाँ तक कि उसे खुद उसके डिसीजन पर यकीन नहीं था। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो उसके होने वाले पति के साथ खुश रहेगी या नहीं। उसी सोच में वो अपनी कार सड़क से मोड़ लेती है क्योंकि यह एक शॉर्टकट था जो काफी सुनसान था। उस रास्ते पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी कार अचानक खराब हो जाती है, इसलिए वो परेशान होकर कार चेक करती है लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। इसीलिए वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन ऐसे वक्त में फोन में सिग्नल भी नहीं होता। इसीलिए परेशान होकर वो ड्रिंक पीने की कोशिश करती है लेकिन गलती से वो ड्रिंक उसके शर्ट पर गिर जाता है। इसलिए वो अपनी बैग से दूसरा शर्ट लेकर चेंज कर ही रही थी कि तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम था क्रिश्चियन। वो काफी प्यार और पोलाइट होकर मैलरी से बात करता है और उसकी कार ठीक करने की कोशिश करता है और वो कार स्टार्ट भी हो जाती है। इसलिए मैलरी काफी खुश हो जाती है और उसे कार ठीक करने के लिए पैसे ऑफर करती है, लेकिन क्रिश्चियन पैसे लेने से मना कर देता है। इसलिए मैलरी उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो अपनी कार रोक देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिश्चियन से मदद लेने के बावजूद वो वही उसे अकेला छोड़ रही है। इसलिए वो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने का फैसला करती है और मैलरी की रुकी कार देखकर क्रिश्चियन भी समझ जाता है और वो आकर उसकी कार में बैठ जाता है। अब सफर के दौरान उनकी बातें शुरू हो जाती है। तब क्रिश्चियन काफी प्यारी प्यारी बातें करके मैलरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही समय गुजर जाने के बाद धीरे धीरे वो अपनी असल औकात पे आना शुरू कर देता है जिससे मैलरी काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन उसकी अजीब बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मैलरी समझ जाती है कि क्रिश्चियन कुछ ठीक इंसान नहीं है, इसलिए वो उसे कार से उतरने को कहकर अपनी कार रोक देती है। लेकिन अब क्रिश्चियन अपनी असल औकात पे आकर अपना चाकू निकाल लेता है जिससे मैलरी काफी घबरा जाती है और वो उसे चाकू की नोक पर कार ड्राइव करने को कहता है। इसलिए मैलरी अब कुछ भी कर नहीं सकती थी। वो चुपचाप अपनी कार ड्राइव करने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन क्रिश्चियन से बचने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। तब वो नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट लगाई नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन प्लान बनाती है और मौका देखकर अपनी कार क्रैश कर देती है। लेकिन वो क्रैश उसके लिए भी आसान नहीं था, इसलिए उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। तब वो किसी तरह खुद को संभाल कर देखती है कि क्रिश्चियन पास ही बेहोश पड़ा था, इसलिए वो जल्दी से अपना सीट बेल्ट निकाल कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब उसे एहसास होता है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर काफी पूरी तरह से सीट में फंस चुका था जिससे वो घायल भी हो गई थी। तब वो पास पड़े कपड़े से अपने जख्म का खून रोक देती है और तभी क्रिश्चियन भी उसके पास आ जाता है जो थोड़ा बहुत तो घायल था, लेकिन उसकी हालत मैलरी से काफी हद तक ठीक थी। तब वो मैलरी की मदद करने के बजाय उसे वही छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है और मैलरी वहीं फंसकर मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी और उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अब काफी देर गुजर कर रात हो चुकी थी लेकिन मैलरी अभी भी वहीं फंसी थी क्योंकि किसी की मदद के बिना उसका फ्री होना लगभग नामुमकिन था क्योंकि उसका पैर फंसा होने के साथ साथ कार का डोर भी फंस गया था। अब समय के साथ वहाँ ठंडी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिसे मैलरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब उसे कार में कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है। कार की बैटरी भी ठीक ठाक थी जिससे वो कार का हीटर भी शुरू कर लेती है। अब मैलरी ने ठंड से बचने का इलाज तो कर लिया था, लेकिन हालात सिर्फ इतने ही बुरे नहीं थे क्योंकि वो एक जंगल में फंसे होने की वजह से उसके आसपास जंगली जानवर मंडरा रहे थे। ये देखकर मैलरी घबरा जाती है, लेकिन उसे इसका भी इलाज मिल जाता है। वो अपनी कार की हेडलाइट शुरू कर देती है जिससे डरकर वो जानवर वहां से भाग जाते हैं। अब किसी तरह उसकी यह रात बीत जाती है, लेकिन अब भी हालात कुछ खास बदले नहीं थे। वो वहीं फंसी थी और उसके पास पीने का पानी काफी कम बचा था और खाने के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसी हालत में उसका ये दिन बीत जाता है और सुबह से रात हो जाती है और रात से फिर अगली सुबह। लेकिन मैलरी अब भी वहीं फंसी थी और धीरे धीरे वो बचने की उम्मीद खो रही थी क्योंकि उसके हालात पहले से भी बदतर होते जा रहे थे क्योंकि अब ना तो उसके पास खाने के लिए खाना था और पीने के लिए पानी। तभी क्रिश्चियन वहाँ आ जाता है जो अब पहले से काफी अच्छी हालत में था। उस क्रैश का उस पर कोई भी असर दिख नहीं रहा था और मैलरी बेचारी पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो मैलरी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर उसे एक कैबिन मिला है जो फिलहाल तो बिल्कुल खाली है, लेकिन वहाँ एक फैमिली रहती है जो शायद कहीं बाहर गई है। क्रिश्चियन अपने साथ खाना और पानी भी लाया था, लेकिन वो अकेले ही मैलरी के सामने बैठकर उस खाने को घटकने लगता है और मैलरी सिर्फ उसे देखती रह जाती है। वो काफी देर वही बैठकर उसके मजे लेता है और उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है।
अब तीसरी रात भी आ चुकी थी और खाना और पानी ना मिलने की वजह से मैलरी को नींद भी नहीं आ रही थी। तब मैलरी को उस कार में एक लाइटर मिलता है जिससे वो आग जला लेती है और काफी मुश्किल से वो किसी तरह सो जाती है। लेकिन वो नींद भी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि उसके बॉडी पर कुछ चूहे उछल कूद कर रहे थे। मैलरी उन्हें भगाने की कोशिश करती है लेकिन वो चूहे थे, वो थोड़े ही उसका दर्द समझने वाले थे। तब मैलरी काफी इरिटेट होकर एक चूहे को मार देती है। अब उस मरे हुए चूहे को देखकर उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आ गया था क्योंकि हालत भी उसी तरह के थे। वो उस रात उसी चूहे को खाकर अपना गुजारा कर लेती है। अगली सुबह मैलरी की एक नई उम्मीद के साथ नींद खुलती है क्योंकि उसे उसके फोन की रिंग सुनाई दी थी। तब वो फोन ढूंढने लगती है जो एक्सीडेंट के दरमियान कहीं खो गया था और थोड़ी ही कोशिशों के बाद उसे वो मिल जाता है। लेकिन तभी उसे क्रिश्चियन के आने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो अपना फोन छिपा लेती है। तब क्रिश्चियन वहां आकर उसे बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग वापस आ चुके थे, इसीलिए उसने उन्हें उन्हीं के कैबिन में कैद कर दिया है और आज वो यहाँ उसकी मदद करने आया है। ये सुनकर मैलरी उसकी तरफ उम्मीद से देखती है लेकिन क्रिश्चियन उससे उसका फोन छीन लेता है क्योंकि उसने फोन की रिंग ऑलरेडी सुन ली थी। तब वो मैलरी को मदद के तौर पर एक सौ देता है जिस पर मैलरी बोलती है कि यह सौ दरवाजे को काट नहीं सकता। तब क्रिश्चियन बोलता है कि इस सौ से उसे दरवाजा काटना भी नहीं है बल्कि इस सौ से तो उसे खुद का पैर काटना है। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब मैलरी वहां से आजाद तो होना चाहती थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद का पैर काट सके, इसलिए वो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं करती। अब रात में उसे काफी प्यास लगी थी लेकिन उसका पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके पास एक पूरी की पूरी नदी थी लेकिन वो वहां जाकर पानी पी नहीं सकती थी, इसीलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था और वो वही करती है जो शायद ही कोई कर पाए। तब कुछ देर बाद हालात और भी बदल जाते हैं और वहाँ का मौसम खराब होकर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसका फायदा ये होता है कि वो अपने पीने के लिए पानी इकट्ठा कर लेती है। तब रेडियो पर उसे खबर मिलती है कि मौसम के खराब होने की वजह से मेन रोड बंद हो गया है, यानी अब मेन रोड से चलने वाली गाड़ियाँ इसी रोड से चलेगी। इसलिए वो नई उम्मीद के साथ रोड की तरफ देखती है तो उसे कुछ गाड़ियाँ नजर आती है और तभी एक कार वहाँ रुक जाती है, लेकिन वो कार क्रिश्चियन की ही थी। ये देखकर मैलरी कुछ करने का फैसला करती है और वो उस मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर लगाकर मरने की एक्टिंग करती है। वो ऐसा करके क्रिश्चियन को दिखाना चाहती थी कि वो अपना पैर काटने की कोशिश में मारी गई है और उसका प्लान कामयाब हो जाता है और क्रिश्चियन उसे चेक करने जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर मैलरी चाकू से उस पर हमला कर देती है और उसकी कार की चाबी लेकर दूर कहीं फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि खाई में गिरी गाड़ी की तरफ किसी की भी नजर नहीं जा रही थी, लेकिन अब रास्ते में रुकी क्रिश्चियन की कार को देखकर लोगों के वहां रुकने के चांसेस थोड़े ज्यादा थे। यह देखकर क्रिश्चियन जल्दी से अपनी कार के पास जाता है ताकि कोई अगर रुके तो वो वहीं से उन्हें भगा सके। तभी कुछ देर बाद एक शेरिफ वहां आ जाता है लेकिन क्रिश्चियन उसे अपनी बातों में फंसाकर बोलता है कि उसके कार की चाबी खो गई है और पास ही उसका कैबिन है जहां दूसरी चाबी है। वो उसी शेरिफ से दूसरी चाबी लाने के लिए हेल्प मांगता है और शेरिफ भी उसकी बात मानकर उसके साथ निकल जाता है और मैलरी वहीं हेल्प के लिए चिल्लाती रह जाती है। लेकिन अब बारिश काफी बढ़ गई थी जिससे उसके पास वाली नदी में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन उसे कहां पता था कि इससे उसका काफी फायदा होने वाला था। वो उस बाढ़ से घबरा कर अपना पैर काटने का फैसला करती है और काफी सारी हिम्मत जुटा कर वो अपना पैर काटने लगती है, लेकिन पानी काफी तेजी से कार में भरने लगा था जिससे उसका सौ भी कहीं खो जाता है और उस नदी में भरे पानी की वजह से उसकी कार भी पानी के साथ बह जाती है, जिससे गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और वो बिना पैर काटे आजाद हो जाती है। अब वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि तभी पास ही उसे एक कैबिन दिखता है जिसमें से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी और यह कैबिन वही था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था। वो चाहती तो वहां से निकल सकती थी लेकिन वो ऐसा करने के बजाय उन लोगों को बचाने का फैसला करती है और आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स लगाए हैं, इसलिए वो काफी संभल कर कैबिन में जाती है और देखती है कि क्रिश्चियन ने कैबिन के ओनर को मार दिया है, साथ ही उसने उस शेरिफ को भी मार दिया था जिसे वो चाबी लाने के बहाने कैबिन में ले आया था। वो उस शेरिफ की गन लेकर आगे बढ़ती है तब उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन ने कैबिन के ओनर की बेटी को कैद कर लिया था, इसलिए वो चुपचाप उसे फ्री करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे क्रिश्चियन के वहाने की आवाज आती है, इसलिए वो वही छिप जाती है और क्रिश्चियन के अंदर आते ही उसे गन पॉइंट पर लेकर शूट कर देती है। लेकिन क्रिश्चियन किसी तरह उससे बचकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मैलरी कड़ी टक्कर देकर उसे किसी तरह नीचे गिरा देती है जिससे वो सीधा एक ट्रैप में गिरता है और उसी में उसका पैर फंस जाता है और अब वो उसी हालत में था जिस हालत में मैलरी थी। तब मैलरी उसके पास आकर उसे बोलती है कि वो भी उसकी हेल्प करने आई है।
वो उसे एक चाकू देकर बोलती है कि आजाद होने का सिर्फ यही तरीका है, यानी क्रिश्चन को भी अगर आजाद होना है तो उसे भी खुद का पैर काटना होगा जैसे उसने मैलरी को कहा था। यह कहकर मैलरी उसे मरने के लिए वही छोड़ देती है और उस लड़की को लेकर वहां से चली जाती है और इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है।